फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कैनी है और जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है LG का LCD टीवी जो कि 32 इंच का है और जिसका मॉडल नंबर है 32CS410। इसको किस तरह से रिपेयर करना है और क्या फॉल्ट है ये पूरा वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है, देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब ये मैंने रिमोट से की दबाया लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है इस पर। सो, आप देख सकते हैं कि लाइट बंद होनी चाहिए थी स्थिति में लेकिन ये बंद नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ फॉल्ट है जो कि रिमोट भी सेंस नहीं कर रहा है। सो, देख लेते हैं किस तरह से इसे रिपेयर करेंगे। सो, सबसे पहले मैं कुछ पावर सेक्शन के बारे में बता दूं, हर सेक्शन के बारे में कि इसमें किस तरह से पूरा कंट्रोल सिग्नल्स और वोल्टेज किस तरह से फ्लो होता है और बैकलाइट यूनिट को चालू करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की है। सबसे पहले तो हम पावर बोर्ड को ले लेते हैं। सो, ये पावर बोर्ड जो है उसमें एक जो है 3.5 वोल्ट के लिए SMPS यूज़ किया गया है जो कि इसका काम यही है कि स्टैंड बाय 3.5 वोल्ट को इन एनी केस जब तक पावर ऑन है, पावर जब तक हमने दिया हुआ है तब तक इसको 3.5 वोल्ट डिलीवर करना है, इस SMPS को आउटपुट देना है प्रोसेसर को सप्लाई देने के लिए, ठीक है। और इसमें किस तरह से पावर सीक्वेंस होता है वो बता दूं। पहले सबसे पहले 3.5 वोल्ट आया, सबसे पहले तो आपने पावर दिया, पावर देने के बाद 3.5 वोल्ट आए, 3.5 वोल्ट आने के बाद आपने पावर कमांड दिया रिमोट से, उसके बाद पावर ऑन सिग्नल जनरेट हुआ जो कि प्रोसेसर से आने वाला कंट्रोल सिग्नल है, फर्स्ट सिग्नल। इस वायर के थ्रू इस SMPS में इस पिन पे आएगा जो कि 3.3 या 0, 0 का मतलब स्टैंड बाई है और 3.3 का मतलब ऑन है, ठीक है। ये दो कंडीशंस होते हैं जब आप रिमोट से बंद और चालू करते हैं। उसके बाद पावर ऑन होने के बाद 24 वोल्ट और 12 वोल्ट जनरेट होते हैं और जो 12 वोल्ट है टिकॉन के लिए चला जाएगा, दैट मीन्स टिकॉन का जो मॉस्फेट लगा होगा वो मॉस्फेट इसको 12 वोल्ट दे देगा और फिर बाद में 24 वोल्ट जो है एक तो इन्वर्टर सेक्शन के लिए जाएगा। इन्वर्टर सेक्शन में जो दो बैलेंस ट्रांसफार्मर है इनको ड्राइव करने के लिए 24 वोल्ट से ये आउटपुट मतलब जनरेट करेगा 24 वोल्ट को चॉप करके, ठीक है। चॉपिंग का मतलब कट करके, दो मॉस्फेट्स लगे होंगे जिसका काम है दोनों ही जो सिग्नल्स हैं दोनों ही टाइम में जो साइकल्स AC साइकिल जनरेट करना, इसके आउटपुट में आपको AC साइकिल मिलेगा जो कि AC का मतलब इसमें जो दिए गए DC 24 वोल्ट से AC 1.2 किलो वोल्ट जनरेट होगा और इसके लिए इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि 24 वोल्ट DC दिया आपने, आउटपुट क्या निकला AC। सो DC टू AC बना इस आउटपुट में और इसके आउटपुट से जो जनरेट हुआ दो CFLs के जो लैम्प के कनेक्टर हैं वो अंदर आपको बैकलाइट चलाने में हेल्प करेंगे। अब पूरा प्रोसेस हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं वोल्टेज के साथ। सबसे पहला वोल्टेज जो आप चेक करोगे वो है 3.5 वोल्ट, ठीक है। सबसे पहले आप 3.5 वोल्ट चेक करोगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि 3.5 वोल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये 3.5 वोल्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेसर को 3.5 वोल्ट मिल रहे हैं। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सीधा फ्लैश IC के 8 नंबर पे चेक कर लें, 3.5 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी सप्लाई चेक कर लेते हैं, दूसरी सप्लाई आपको यहाँ देखनी है क्योंकि प्रोसेसर कब काम करेगा जब इसको क्रिस्टल को सिग्नल मिलेगा, तो हम सिग्नल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऑसिलोस्कोप की रेंज सेट कर लेते हैं और ये 200 वोल्ट पर डिवीज़न में, इसको मैं 1 वोल्ट पर डिवीज़न कर देता हूँ, ठीक है, ये 1 वोल्ट, और इसको 20 नैनो सेकेंड या 50 नैनो सेकेंड पर रखते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि
फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, और मैं ये मेज़र का बटन दबा के आप ये क्लोज़अप पे लीजिए, ये पॉइंट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 24 मेगाहर्ट्ज का जो सिग्नल है वो अवेलेबल है, वेवफॉर्म जो है अवेलेबल है दोनों ही साइड में, इसका मतलब क्रिस्टल ओके है। ठीक है, क्रिस्टल का काम क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करना 24 मेगाहर्ट्ज की और प्रोसेसर को देना। ठीक है, प्रोसेसर बाद में बाकी फ्रीक्वेंसी को शेयर करेगा, शेयर का मतलब जितने भी फ्रीक्वेंसीज अब अवेलेबल होगी प्रोसेसर शेयरिंग करेगा सभी चीज़ों के साथ जो जो डिवाइस को क्लॉक की ज़रूरत है। सो सबसे पहला क्लॉक वोल्टेज हम अब इसमें चेक करेंगे, ये फ्लैश आईसी है जिसकी 5 नंबर की जो पिन है, 6 नंबर की पिन वो है क्लॉक पिन। सो मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्लॉक जनरेट हो रहा है, मेज़र भी कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लॉक सिग्नल जो है अवेलेबल होना चाहिए था लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, और डेटा अवेलेबल है नहीं है, यहाँ पर डेटा अवेलेबल है नहीं है, और ये चिप सिलेक्ट पिन है इसको भी पल्स मिलना चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। मैंने माइक्रो सेकेंड में इसकी जो फ्रीक्वेंसी सेट कर ली जो आपको चिप सिलेक्ट वोल्टेज देता, वो सिग्नल देता, सो ये पल्स भी अवेलेबल नहीं है, ना ही इसके क्लॉक सिग्नल्स जो वेवफॉर्म्स होने चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है। सो बाकी के वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं, बेसिक वोल्टेजेस, सभी बेसिक वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। 3.3 वोल्ट प्रोसेसर को मिल रहा है और 1.2 वोल्ट जो कि मिलना चाहिए वो भी अवेलेबल है या नहीं चेक कर लेते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.2 वोल्ट भी अवेलेबल है जो प्रोसेसर को कोर वोल्टेज प्रदान करता है, देता है, और जो सिग्नल्स अवेलेबल नहीं थे उसका रीज़न एक जो मेरी थ्योरी बोलती है वो है कोई ना कोई रेगुलेटर ख़राब हो सकता है। सो सभी रेगुलेटर्स आउटपुट दे रहे हैं, जैसे कि ये 5 वोल्ट दे रहा है, ये भी 5 वोल्ट दे रहा है, दैट मीन्स ये दो रेगुलेटर्स 5 वोल्ट के लिए हैं, और ये एक रेगुलेटर है जिसको इनपुट जो है 3.5 वोल्ट मिल रहे हैं और आउटपुट जो है आप देख सकते हैं कि 0.7 वोल्ट। मैं इसमें लाइट लगा लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, 0.7 वोल्ट इनपुट मिल रहा है इसमें 3.5 वोल्ट, और जो कि ये कोई स्विचिंग वाला रेगुलेटर नहीं है तो इसको वोल्टेज एवरी टाइम देना चाहिए जबकि ये नहीं दे रहा है। सो आप देख लेते हैं कि इस रेगुलेटर आईसी में फॉल्ट है या क्या है इसे रिप्लेस करके। सो आप देख सकते हैं कि मैं ये जो रेगुलेटर है इसको मैं निकालने जा रहा हूँ, और ये निकल गया जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं इसी जगह पर। सो आप देख सकते हैं कि ये ऑल बढ़िया से फिट हो चुका है, और इसको क्लीन कर लेते हैं एंटायर एरिया को। ये पूरे एरिया को मैं क्लीन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ठीक से चीज़ें दिखा पाऊँ और वोल्टेज भी दिखाना चाहता हूँ। अब ये फिर से देख लेते हैं कि इसमें जो वोल्टेज है 3.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, और आप ये जो छेद के थ्रू चेक कर सकते हैं कि इसकी लाइट भी जल गई है। ठीक है, और इसमें अभी पिक्चर आ रही है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, उससे सिग्नल्स दिखा दूं इस पर जो कि टीवी स्टैंडबाय में था और हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही थी। तो इस फ्रीक्वेंसी को किस तरह से हम फिर से देख लेते हैं किस तरह से बनेगी। पहले मैं रिमोट से ऑफ करूंगा इसे, ठीक है, अभी मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं फ्रीक्वेंसी चेक कर लेता हूं इसकी, ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी माइक्रो सेकेंड में रखा हुआ है, हम इसे नैनो सेकेंड कर लेते हैं। सो
आप ये देख सकते हैं कि 12 मेगाहर्ट्ज का जो सिग्नल दिखा रहा है ये, सो इसे मैं प्रॉपरली ट्रिगर दे देता हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली दिखा सकूँ। इसे मैं नॉर्मल मोड पे रख देता हूँ। अब मैं मेज़र का बटन दबाता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि मैं फोर्स दबाता हूँ दोबारा से जब तक सिग्नल ना आए। अब फ्रीक्वेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो आप देखिए कि यहाँ पर 12 मेगाहर्ट्ज़ बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये क्रिस्टल था 24 मेगाहर्ट्ज़ का, उसकी जो आधी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ मिलनी चाहिए 12 मेगाहर्ट्ज़ की, ठीक है। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि आपको रेंज जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी इसके लिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है लगभग आपको 100 माइक्रो सेकेंड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये चिप सिलेक्ट के सिग्नल्स अवेलेबल हैं और ये सीरियल इनपुट आउटपुट ज़ीरो। आप ये भी देख सकते हैं ये डेटा सिग्नल्स भी अवेलेबल हैं और सीरियल इनपुट आउटपुट वन ये भी अवेलेबल है। सीरियल इनपुट आउटपुट ज़ीरो जो कि आप देख सकते हैं ये उल्टा होता है, और सीरियल इनपुट आउटपुट ज़ीरो वन जो है वो आपको सीधे सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये टीवी ऑन हो चुका है। अब टीवी में पिक्चर लगा के चेक कर लेते हैं कि ये टीवी ऑन हुआ है कि नहीं और पिक्चर आ रही है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि टीवी चालू हो चुका है और बिल्कुल अपनी ओके स्थिति में है। सो आपने देखा कि ये टीवी मैंने बहुत इजीली, बिकॉज़ जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं और जो मेरी ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, वो टेक्निक इतनी इजी है कि आपको फॉल्ट फाइंडिंग के लिए जो चिप लेवल जो रिपेयरिंग है वो इतना इजीली आप कर पाओगे। और उसे ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं अपनी ट्रेनिंग में दिखाता हूँ, जिसमें मैं ऑसिलोस्कोप यूज़ करता हूँ जहाँ उसे यूज़ करना है, और मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। और टीवी ठीक करने के टाइम पर सबसे मेन ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखता हूँ कि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से ही काम करूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाता है। और तरीके से काम करने से दो फायदे हैं, एक तो आपके सर्किट बोर्ड ख़राब नहीं होते, कई कंपोनेंट निकाल के भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जो सटीक निशाने पे काम करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो फॉल्ट फाइंडिंग टेक्निक है वो इजी हो जाए और कम से कम काम से ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट आप दे पाओ और अच्छी टीवी रिपेयरिंग सीख पाओ। सो शुक्रिया दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपने देखा, और इसी तरह से मेरी ट्रेनिंग में भी मैं आपको यही चीज़ें सिखाऊंगा। मेरी ट्रेनिंग जो कि अभी कलकत्ता में ड्यू है, जो कि 18 जनवरी 2019 को है, और दूसरी जो ट्रेनिंग है इसी साल है जो कि नवंबर के 12 तारीख को शुरू होगी, 5 डेज ट्रेनिंग अहमदाबाद में। सो अच्छा लगा आपसे दोस्तों ये वीडियो शेयर करके, और अगर जो मेरे अच्छे वीडियो आपको फिर आगे देखना है तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर जो आपने नहीं किया है, और बेल का जो आइकॉन है उसको दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले और आपके मोबाइल स्क्रीन पे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो वॉच करने। ये नंबर सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए दिया गया है, ट्रेनिंग की इंक्वायरी के लिए। प्लीज़ फॉल्ट फाइंडिंग की कॉल ना करें।